हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडमिशन सेशन एंडिंग पे है। 2022 सीयूईटी की पिछले डेढ़ साल से चल रही काउंसलिंग अभी लास्ट फेज पे है। आने वाले 10 से 15 दिन लास्ट डे, अभी उसके बाद कोई भी आपका एडमिशन नहीं होने वाला। काफ़ी सारे स्टूडेंट के सवाल रहते हैं कि भैया, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों ने अपने सेशन जो है जुलाई में स्टार्ट कर दिए, अक्टूबर में स्टार्ट कर दिए। हमारे डीयू के, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे दिसंबर में एडमिशन लेंगे, उनके एग्जाम वगैरह कब लगेंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार, अभी जो सेमेस्टर होते हैं वो सिर्फ 90 डेज के होते हैं, तो आप लोगों के एग्जाम वगैरह मार्च वगैरह में हो जाएंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं यार, क्या सारा प्रोसेस रहने वाला है। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक 3 राउंड कंडक्ट कर दिए सक्सेसफुली। उसके बाद 21 नवंबर आज जो भी है, 5 PM पे स्पोर्ट राउंड की वैकेंट लिस्टें जारी की गई है, जिसके अंदर कॉलेज के अंदर बहुत सारी ब्रांचों में बहुत सारी सीटें वैकेंट हैं। और जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने स्पोर्ट राउंड भी रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन कर दी है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें वैकेंट है, साथ में किन बच्चों को रजिस्टर करना चाहिए। उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप उसको जो है चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ ही आप लोगों को मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट बताना चाहता हूँ यार। पिछले मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, पिछले सालों से, पिछले 2 साल से, बिकॉज आई एम IITian स्टूडेंट। हालांकि चाहे मैं हमारे IITs की बात करूँ, चाहे मैं NITs की बात करूँ, चाहे मैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करूँ, जिस प्रकार से मैं रिसर्च करता हूँ या फिर कॉन्टैक्ट करता हूँ, या फिर जितने भी बच्चों के कॉन्टैक्ट्स आते हैं, लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक ड्रॉप द इंजीनियरिंग कोर्सेस एंड जस्ट लाइक एजुकेशनल डिग्रीज। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, पिछले 2 साल के अगर मैं आंकड़े बताऊँ इंडिया के, तो आपको जो है हज़ारों के अंदर स्टूडेंट ने अपनी डिग्री छोड़ दी है। वाई, क्यों? आप लोगों ने एक बूम तो सुना होगा जिसका नाम है स्टार्टअप। यू नो अबाउट दिस स्टार्टअप? तो आखिरकार क्यों लोग स्टार्टअप में जा रहे हैं, आखिरकार स्टार्टअप होता क्या? आपके पास भी आइडिया होगा, आपने भी सोचा होगा कि मेरे को भी इसको ब्रांड बनाना है, मेरे को भी जो है शार्क टैंक में जाना है, मेरे को भी फंडिंग लेनी है, मेरे को भी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, लोगों की सहायता करनी है, मेरा भी नाम होगा, मेरे भी इतनी एम्प्लॉयज होगा, इतना सारा मजा आएगा, इतना सारा क्रिएशन होगा, हम फाउंडर होंगे, ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास एक CTO होगा, CEO होगा, हमारी ब्रांडिंग होगी, हमारी कंपनी चलेगा, हमारा एडवर्टाइजमेंट आएगा, हमारा न्यूज़पेपर में नाम होगा, हमारे पास बैंक्स होंगे, हमारे पास अकाउंट्स होंगे, पैसे होंगे। लेकिन आखिरकार होता कैसे है सब? इन सब के लिए हम एक यूट्यूब चैनल लेके आए हैं, द स्टार्टअपिस्ट। उसको यार आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर जैसे 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपके लिए एक वीडियो डाला जाएगा रिगार्डिंग द एंड कंप्लीट स्टार्टअप के बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग जो उसको ज़रूर से जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। IPO क्या होता है, स्टार्टअप को फंडिंग कैसे मिलती है, लिस्टिंग कैसे होती है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, कंपनी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटीज क्या होती है, तो ज़रूर से जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इसमें, एंड लॉट ऑफ द स्टूडेंट वॉन्ट टू स्टार्ट योर न्यू थिंकिंग अबाउट दिस। तो इन सबको बातों को नज़र मद्देनजर रखते हुए मेन पॉइंट पर आते हैं, वो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारा मिशन है एडमिशन लेना, एक सीट सिक्योर करना, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के, राइट? तो यार, मैंने बहुत सारे कोर्सेज चेक किए, अभी बहुत सारे PDF मैंने चेक किए। हालांकि एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, 13-14 एवरेज कोर्स की अगर बात की जाए तो 7-8 कोर्सेज जो है अवेलेबल है। DU की वेबसाइट पे आप लोगों को देख जाएगा, स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग नोटिसेस आ चुका है, शाम को 5 बजे के आसपास PDF लिस्टें रिलीज की गई है, ओके? तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि एवरेज कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, एवरेज कोर्स की, तो आपको जो है एवरेज कोर्स के अंदर ऑलमोस्ट 9 सीटें वैकेंट हैं, एक कोर्स में 9 है। एक यूनिवर्सिटी में अगर 13 कोर्स है, तो आप जो है 13×9 कर सकते हो, ठीक है? ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि 100 से ज़्यादा सीटें अवेलेबल हैं। टोटल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, अगर अपन यार 70 यूनिवर्सिटी भी लगा के चले, तो काफ़ी सारी सीटें जो है देखने को मिल जाती हैं। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी एडमिशन नहीं मिला, यार जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनमें ज़्यादा दिन एडमिशन नहीं चलने वाले, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं वहाँ पर आपको काफ़ी दिनों तक एडमिशन देखने को मिलेगा। जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं ना, उनमें काफ़ी दिनों तक एडमिशन, जैसे कि दिसंबर तक आपको वो लोग एडमिशन दे देंगे, क्योंकि उनको भी सीटें भरनी होती है। तो आप लोग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे हैं, स्पोर्ट राउंड के लिए ज़रूर से रजिस्टर करें अपने आप को, ज़रूर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से रजिस्टर करें अपने आप को।
एंड अदर जो काउंसलिंग बॉडीज है बहुत सारी जगह आपको ऑफलाइन बुलाया जा रहा है, ठीक है, तो उनमें भी आप लोग जो है जा सकते हो। एंड आपका मेन मोटिव होना चाहिए सीट लेना, एंड यार 15-20 दिन की मेहनत है तो जरूर से ट्राई करो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। और भी कोई क्वारी हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एक आपके लिए कॉल नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। हमारी टीम भी आपकी पूरी हेल्प करती है रिगार्डिंग द एडमिशन की किस कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच मिल जाएगी आपके मार्क्स के बेसिस पे, अभी किस कॉलेज में आपका एडमिशन चल रहे हैं, कितनी सीटें वैकेंट है, कहाँ कहाँ पे ओपन काउंसलिंग चल रही है, वो सब प्रोवाइड करते हैं आपको उसके लिए। और हाँ, एक बेटर अपडेट बता दूँ, CUET UG और PG के आपको व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, तो आप लोग जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन कमेंट हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और यार हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपको बहुत अच्छे से बताएंगे ऑल अबाउट द स्टार्टअप्स एंड अदर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।